हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदित्य सिंह चंदेल और आप सभी लोगों का सीयूटी कंसेप्ट में स्वागत है। मैं आप सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में, जो इसकी हम लोग टारगेट करेंगे सीयूटी 2023 को। इससे पहले कि हम लोग आज का क्लास शुरू करें, आप सबको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया कि मेरा नाम आदित्य सिंह चंदेल है और वर्तमान में इस समय मैं BHU से ही ज्योग्राफी ऑनर्स का छात्र हूँ, थर्ड ईयर में। और इससे पहले मैं CUT में ज्योग्राफी पढ़ा भी चुका हूं, तो मैं पूरी तरीके से इस क्षेत्र में, CUT के क्षेत्र में बिल्कुल से नया नहीं हूं। मेरे पास एक साल का एक्सपीरियंस है। 2022 में मैंने इसके लिए प्रिपरेशन कराई थी। सो इन 2023 आई विल टीच यू पीपल ज्योग्राफी स्पेशली डोमेन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो आप सभी लोग, आप CUT का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप सबके पास बेसिक सा फंडा ज़रूर होगा कि आप लोग को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और आप लोग को ये पता होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, CUET, जो कि पिछले साल ही आया है। और इसमें आप लोग को पता होगा कि 3 सेक्शन होता है, और तीनों सेक्शन, जैसे मैं आप लोग को बता दूँ कि पहले सेक्शन में लैंग्वेज आती है, भाषा का सेक्शन होता है जिसमें आप हिंदी इंग्लिश इस तरीके से लैंग्वेज चुनते हैं। दूसरा GT का सेक्शन होता है जिसमें आप लोग जनरल टेस्ट देते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि साइंस भी आएगा, जनरल साइंस भी, जनरल नॉलेज भी आएगा। और तीसरा सेक्शन जो है कि जो स्पेसिफिकली डोमेन का सब्जेक्ट होता है, डोमेन का, वो मैं उसमें क्या पढ़ते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशली अबाउट डोमेन। और डोमेन में, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया कि मैं ज्योग्राफी आप लोग को पढ़ाऊँगा, तो उसमें मैं आप लोग को ज्योग्राफी के जो सिलेबस है उसके एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा कि किस तरीके से उसका सिलेबस है, NTA ने किस तरीके से सिलेबस प्रिपेयर किया है और किस तरीके से आप लोग की क्लासेस चलेंगी और मैं आप क्लासेस किस तरीके से लूंगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि CUT कंसेप्ट में आप लोग ज्योग्राफी है, जो कि हम 2023 को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं। और फिर जो इसका बेसिक सा कंसेप्ट है, ये कि आप लोग देखेंगे कि 50 क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को ये तो पता होगा कि डोमेन में कुल 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और आप लोग के लिए जो टाइमिंग है वो 45 मिनट है, तो ये समझ सकते हैं कि पर क्वेश्चन आपको लगभग 1 मिनट का टाइम मिलेगा, कि एक क्वेश्चन टैकल करने में आप लगभग 1 मिनट का समय ले सकते हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे कि जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स हैं, यानी कि पर क्वेश्चन आपको 5 नंबर मिलेंगे। मतलब कि अगर आपने 40 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपको 200 नंबर मिलेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने की जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। आप देखेंगे कि निगेटिव मार्किंग है, कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। सो बेसिक सा फंडा यह है कि कुल 50 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको जो करने हैं सिर्फ 40 क्वेश्चन कर रहे हैं। इन 40 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 200 नंबर का है, मतलब कि पर क्वेश्चन आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है और पर गलत क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर डिडक्ट आपका हो जाएगा। हमारा जो डिस्कशन ये है कि हमें करने हैं 200 नंबर करने हैं, ये हमारा कंसेप्ट क्लियर है। तो अब हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट आवर सिलेबस। तो लेट्स मूव टुवर्ड सिलेबस। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरीके से NTA ने सिलेबस रिलीज़ किया है। तो जब आप NTA की वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ पर हम सब लोग सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर ये सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगा, ये PPT मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं आपकी क्लासेस लेने वाला हूँ, किस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। उससे पहले हम लोग प्रॉपर वो सिलेबस देखें जो NTA ने प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। तो इससे पहले मैं आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर ही दिखा देता हूँ कि क्या सिलेबस उन्होंने प्रिपेयर किया आप लोग के लिए। तो ये ज्योग्राफी का सेक्शन है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है CUTsummer.ac.in, और यहाँ पर आप लोग ज्योग्राफी का जो सेक्शन है उसमें आप सिलेबस देखेंगे। तो आप लोग ये देखिए, मतलब ये जो सेक्शन है आप देखेंगे ज्योग्राफी का जो है, इसमें पहला है ज्योग्राफी, जिसमें कि ये तो थोड़ा पहले मैं आप लोग को दिखा दूं, फर्स्ट जो है ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आप लोग को पता है कि सिर्फ NTA ने ये प्रावधान है कि आप लोग बस जो 12th क्लास की NCERT है वही आपकी प्रिपरेशन के लिए मोर देन इनफ है। तो 12th क्लास में ज्योग्राफी के लिए 2 बुक्स की प्रावधान है, 2 बुक्स हैं उसमें। तो उसमें जो पहली बुक आती है, उस पहली बुक का जो नाम है वो है
पहली बुक जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और इस फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि जो पहला यूनिट है उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप के बारे में बात करता है कि उसमें क्या उसका नेचर है, क्या स्कोप है। फिर दूसरा जो है वो पीपल के बारे में है कि पॉपुलेशन या किस तरीके से पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, पॉपुलेशन चेंज, एज, सेक्स रेशियो, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन सब एस्पेक्ट्स पे डिस्कस करता है। और तीसरा जो इसका जो तीसरा यूनिट है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से डील करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आप सभी लोगों को, आप लोग पढ़ के आ रहे होंगे, अभी 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी या पिछली क्लासेस में 9th 10th में जब आप लोगों ने सोशल साइंसेस पढ़ी होंगी तो वहाँ पर ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ रही होंगी, जिसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी, इस तरीके से एक्टिविटीज़ आती हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है। फिर चौथा यूनिट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड के बारे में है, जिसमें आप लोग रेल रोड एयर, इन सब के एस्पेक्ट्स पर लेकर आप लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर किस तरीके से हम लोग कम्युन करते हैं और एक दूसरे से अपनी जानकारी साझा करते हैं, इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। और पाँचवा जो यूनिट है वो डील करता है ह्यूमन सेटलमेंट से। ह्यूमन सेटलमेंट से आप लोग को पता होगा कि हम लोग कहाँ रहते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि उसमें फिर आप देखेंगे कि रूलर, अर्बन, फिर क्यों हम एक प्लेस में रहते हैं, क्यों अधिक लोग एक जहाँ पे रहना पसंद करता है पीपल, क्यों पीपल यहाँ रहना पसंद करते हैं, क्यों पीपल प्लेन में रहना पसंद करते हैं, हिली प्लेसेस में क्यों पॉपुलेशन कम होती है, इन सब एस्पेक्ट्स पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो दूसरी बुक है ज्योग्राफी की, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका जो पहला यूनिट है उसमें बिल्कुल है पीपल। आप देखेंगे कि पहली बुक में भी पीपल था, इसमें भी पीपल है। सो जो ये पीपल है वो बस हम इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, हम इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, हम इंडिया की जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम उसके इंडिया के स्पेसिफिकली माइग्रेशन की बात करेंगे, हम उसके इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट की बात करेंगे। जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो स्पेसिफिकली हम इंडिया की ह्यूमन सेटलमेंट की बात करेंगे कि रूरल अर्बन जो रेशियो है, जो रूरल और अर्बन का जो कंस्ट्रक्शन है, किस तरीके से उनका बाइफर्केशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो रूरल में टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्बन सेटलमेंट्स में जो टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स के बारे में मैं आप लोग को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि रिसोर्स क्या होता है, उसका डेवलपमेंट क्या होता है। बस हम लोग यहाँ पर बस एक बर्ड्स आई व्यू देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा सिलेबस है। और रिसोर्स में हम लैंड, वाटर, मिनरल, इंडस्ट्रीज, इन सब की बात करेंगे। और फिर अगला है जो कि प्लानिंग इन इंडिया, इसकी बात करेंगे। फिर फोर्थ यूनिट है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में है। आपको मैंने अभी पहले ही बताया कि वहाँ भी हमको ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है, और इस बुक में भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हमको स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में पढ़ना है। मतलब आप ये समझिए कि लगभग बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमको वर्ल्ड लेवल पर भी पढ़ने हैं और इंडिया लेवल पर भी पढ़ने हैं, तो इससे हमारा सिलेबस थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर इसको हम एक सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करें। और ये सही स्ट्रेटजी किस तरीके से होगी, मैं इसको अभी आप लोग के साथ कुछ मिनटों में साझा करूँगा आपके साथ। और फिर लास्ट है कि ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। इसमें आप जैसे कि ज़्यादा वर्तमान में आके डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से इन्वायरमेंट, जो पोल्यूशन है, आप लोग पोल्यूशन के बारे में जानते होंगे, तो हम पोल्यूशन को ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और फिर उसका क्या संभव उपाय हो सकता है उस पोल्यूशन को दूर करने का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। फिर आप अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे, जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है, आप लोग देखेंगे कि माइग्रेशन क्यों होता है, बेटर लाइफ के लिए, बेटर लाइफ स्टैंडर्ड के लिए जो है माइग्रेशन होता है फ्रॉम रूरल टू अर्बन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ रही है, क्या निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रही हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम लैंड डिग्रेडेशन पढ़ेंगे कि हापरे उपयोग के लिए लैंड का जो इतना दोहन कर रहे हैं उससे क्या नुकसान हो रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसी पर्सपेक्टिव में फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उसका क्या संभव उपाय है। तो ये तो इंग्लिश में रहा, हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी में जो आप लोग का सिलेबस है उसको एक बार देख लिया जाए। तो भूगोल या भूगर्भ शास्त्र जो होता है उसका जो ये आप लोग देखेंगे कि भूगर्भ शास्त्र कक्षा 12 के लिए जो पाठ्यक्रम है उसमें आप देखेंगे कि पहली जो बुक है
वो है कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, वही फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसमें आप मानव भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र, लोग, फिर विश्व जनसंख्या और मानव क्रियाएं, परिवहन, संचार और व्यापार, ये हिंदी में है, बाकी सारा चीज़ तो आप लोग समझ ही रहे, सेम ही है। मानव बस्तियाँ, फिर हम देखेंगे कि दूसरी जो बुक है उस 313 है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जिसमें हम फिर से लोग देखेंगे, फिर से हम मानव बस्तियाँ देखेंगे, फिर से संसाधन और विकास पढ़ेंगे, और फिर से हम परिवहन, संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चयनित मुद्दों और समस्याओं पर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से हमने आप लोग के साथ डिस्कस किया कि NTA ने, आप लोग देखेंगे कि ये वेबसाइट NTA की है, एक मिनट डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस NTA ने जो सिलेबस रिलीज किया है उसको हमने लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखा कि उसके क्या क्या सेक्शन हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे कि अगर आप लोग सिलेबस प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लोग के पास दो बुक होना बहुत ज़रूरी है, मतलब 12th क्लास के जो दो NCERTs हैं, जिस पहली बुक का नाम है द फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो बिल्कुल इस तरीके से दिखती है, और दूसरी है इंडिया पीपल एंड इकॉनमी, जो बिल्कुल इस तरीके से दिखती है। आप लोग हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, वो बुक ले लीजिए, हिंदी या इंग्लिश। आप लोग को कंसेप्ट में जो है CUT कंसेप्ट में बायलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि भाषा या लैंग्वेज को लेकर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होने वाली है। मैं आप लोग को बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, चाहे हिंदी या इंग्लिश, दोनों को मिला के पढ़ाऊंगा, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग हमें इन्फॉर्म करेंगे, उस दिक्कत को तुरंत ही दूर किया जाएगा। लेकिन हम लोग जैसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो जो 12th क्लास की दो NCERTs हैं, पहली फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरी इंडिया पीपल एंड इकॉनमी, ये दोनों बुक आपके साथ होनी चाहिए। मैं जिस बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपको पढ़ाऊंगा, आप डेली बेसिस पे उसे प्रिपेयर करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि एक लगभग एक डेढ़ महीने से दो महीने के बीच में आप अपना सिलेबस पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, और फिर आप पाएंगे कि आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो CUT का लेबल है, वो जो क्वेश्चन है उसको टैकल करने में आप पूरी तरीके से अपने आप को सक्षम पाएंगे। और इसमें एक साथ ही साथ मैं आप लोग के साथ कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, जैसे मैंने आप लोग को पहला चैप्टर पॉपुलेशन का पढ़ाया या नेचर का पढ़ाया, तो उसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रोबेबली 5-10 क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, उसको आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। बाद में जब सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आप लोगों के साथ जो है पूरी तरीके से, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम एक वेल स्ट्रेटजी के साथ आपके साथ डील करेंगे, जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये पहला काम आप लोग ये करेंगे कि ये जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये बुक आपके पास होनी चाहिए, और दूसरा इंडिया पीपल एंड इकॉनमी, दूसरी बुक आपके पास होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि इन दोनों बुक में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है कि कॉमन एस्पेक्ट्स, जैसे मैंने सिलेबस बताते समय आप लोग को बताया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। कॉमन क्या है, जैसे आप देखेंगे कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या जो है, वो दोनों जहाँ कॉमन है, मतलब कि आपको यहाँ भी पढ़ना है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, और इंडिया पीपल एंड इकॉनमी में भी पढ़ना है, तो उसको हम कैसे डील करेंगे। लेकिन उसमें जो बेसिक अंतर यह है कि आप लोग यहाँ पर वर्ल्ड यानी विश्व के पर्सपेक्टिव से पॉपुलेशन को पढ़ेंगे, और यहाँ इंडिया को पर्सपेक्टिव लेकर पढ़ेंगे, मतलब इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग सिलेबस देखते हैं। तो आप पहला देखें कि ये टॉपिक्स विच विल बी कवर्ड बाय द बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो मैंने आप लोग को सिलेबस दिखा दिया है, लेकिन मैं किस तरीके से आप लोग को पढ़ाऊंगा, अब मैं बेसिकली इस चीज पर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जैसे ये बुक है, कुछ जो टॉपिक्स जो है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में ही स्पेशली कवर किए जाएंगे। तो इसमें पहला जो टॉपिक होगा ह्यूमन ज्योग्राफी, आप लोग जाएंगे तो जो पहला चैप्टर आप लोग चेक करेंगे वो होगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। नेचर मतलब क्या, आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसका नेचर क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहते हैं। तो बेसिकली ज्योग्राफी के दो पार्ट होते हैं, ज्योग्राफी आप लोग जानते ही होंगे कि इट इज द स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ एंड इट्स सरफेस एंड इट्स पीपल लिविंग ऑन इट। तो विश्व भूगोल जो है भूगोल में जो अध्ययन किया जाता है वो पृथ्वी की सतह, पृथ्वी और उस पर निवास करने वाले मानवों का अध्ययन जो है वो भूगोल है।
अब उसी आधार पर पृथ्वी को लेकर फिजिकल यानी भौतिक भूगोल बनता है, और दूसरा जो मानव को लेकर ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल बनता है। इसी मानव भूगोल के बारे में उसका नेचर हम कहेंगे कि क्या नेचर क्या होता है। तो आप लोग आप समझ गए होंगे कि नेचर क्या है। इसमें बेसिकली मानव के जो सारी चीज़ें हैं, मानव की जो क्रियाकलाप है, मानव की जो गतिविधि है, एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और फिर दूसरा स्कोप, ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कोप क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी का जो स्कोप है वो ये है कि जो मैंने आप लोग को बताया कि किस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी मानव की जो क्रियाकलाप है, मानव की जो गतिविधि है, उनके बारे में ही अध्ययन करना, यही ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कोप है। तो स्कोप का जो यहाँ मतलब होता है, स्कोप का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर आप लोग स्कोप का मतलब ये मत समझिएगा कि बीटेक करने के बाद क्या स्कोप है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो स्कोप का मतलब है वो बिल्कुल से ये है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट सब्जेक्ट, ओके सॉरी, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट डिसिप्लिन इज नोन एज स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, ओके। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सेक्टर्स और एक्टिविटीज। इकोनॉमिक सेक्टर एंड एक्टिविटीज़, इसमें एक चैप्टर है जिसमें आप लोग सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा या सोशल साइंसेज में पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में डिस्कस करते हुए। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, कृषि से जुड़ी हुई जो अध्ययन है, कृषि से जुड़ी हुई जो स्टडीज़ है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कृषि आती है, और कृषि से जो भी चीज़ आती है जैसे कृषि करना, फिर उससे जो रॉ मटेरियल आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आएंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पे। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बेसिकली क्या होता है आप लोग को पता होगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण बोलते हैं, निर्माण या उद्योग इसे हम लोग बोलते हैं। तो निर्माण और उद्योग का मतलब क्या है कि जो चीज़ें आती हैं रॉ मटेरियल्स प्राइमरी सेक्टर से, उनका यूज़ करके, उनको एक फोरूप देकर उनको मार्केट में जो है लाना, अभी मार्केट में लाना नहीं, मतलब आप समझिए कि उनको दूसरा रूप देना। मान लीजिए जूट आया तो जूट से जूट की बोरियां बनाना, वहां से मिनरल्स आए, इसमें प्राइमरी सेक्टर में क्या आती है, कृषि आता है प्लस खनन आता है, यानी कि मिनरल्स भी इसी में आते हैं। तो मान लीजिए वहां से कोयला मिला, उस कोयलों को आप यूज़ करें, वहां से जो कच्चा लोहा मिला, उस कच्चे लोहे का यहाँ सेकेंडरी में जो है इस्पात बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है, फिर स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं। ये होता है सेकेंडरी सेक्टर का जो उसमें सेकेंडरी सेक्टर का जो रूप है वो ऐसा है। फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सिस्टम मतलब तृतीयक सेक्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि ये होता है बेसिकली सेवाएं, इसको बोल सकते हैं सेवा या सर्विस का क्या मतलब हो गया कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि प्राइमरी में कृषि खनन ये सब चीजें आ गई, दूसरा उसे जो रॉ मटेरियल आता है उससे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर उद्योग निर्माण में जो चीज़ें यूज बनाते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी। टर्शियरी में क्या आ गया कि जैसे बैंक आपको क्या देता है, बैंक आपको सेवाएं देता है। फिर आप देखेंगे कि रेलवेज में आप लोग यात्रा करते हैं वो, इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि जैसे आप लोग गए बस से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपको सेवा हुआ, होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे जो खाना खा रहे हैं वो सेवाएं हैं। इस तरीके से जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सेवा है क्षेत्र है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में जो रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे क्वार्टरनरी सेक्टर यानी चतुर्थक सेक्टर जो होता है बेसिकली, इसमें लोग डिस्कस करते हैं कि जो अभी ये नई बिल्कुल सी इंफॉर्मेशन एक सेक्टर बनकर उभरा है, इसकी जो सूचना है, इसके प्रोडक्शन कलेक्शन और फिर इसका किस तरीके से यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग समझिए ये चौथा है, ये जो नया सेक्टर आया हुआ क्वार्टरनरी सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि और आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरी दुनिया पर इसका जो है एक तरीके से पूरा प्रभाव बनता जा रहा है उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल सीयूटी
प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि जहाँ तक बेसिकली सीयूटी की बात है तो आप लोग को बहुत डीप में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप लोग को ये समझना होगा कि सिलेबस में क्या पढ़े जिससे हम अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सके। बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, और जो चीज़ें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसके बारे में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और आपको अच्छी तरीके से डिलीवर करने का पूरा प्रयास करेंगे, और हम दोनों इसको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर हम लोग देखते हैं कि जो सेकेंड बुक है, जो सेकेंड बुक में हम लोग देखेंगे कि जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसमें जो बेसिकली हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है, स्रोत, संसाधन, इसको हिंदी में बोलते हैं संसाधन। संसाधन क्या होता है, आप लोग जानिए कि जो चीज़ें हम यूज़ करके अपने लिए यूज़ करते हैं उनको संसाधन कहते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, लैंड रिसोर्स हो गया, इन सब रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो जैसे आप लोग देखेंगे जो मिनरल्स होती हैं वो हमारे रिसोर्स का काम करती हैं, वो सारी चीज़ें जिनका हम मानव अपने वेल बींग के लिए उपयोग कर सकता है उसको कहते हैं रिसोर्स। और रिसोर्स में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिसोर्स, फिर हम लोग लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे कि लैंड रिसोर्स क्या है, लैंड का कैसे रिसोर्स के रूप में कैसे यूज़ करते हैं हम। इसी तरीके से फिर हम वाटर रिसोर्स के बारे में बात करेंगे कि वाटर किस तरीके से हमारे लिए रिसोर्स हो सकता है, किस तरीके से हमारे डिजास्टर हो सकता है, और फिर हम इनके प्रबंधन के बारे में भी बात करेंगे, इनके वेल मैनेजमेंट की भी बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मिनरल्स जो कि खनिज हैं उनके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से खनिज एक रिसोर्स के रूप में हमारे ऊपर काम करते हैं। जैसे आप लोग देखें कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से हम लोग प्राप्त करते हैं पेट्रोल, डीजल, और फिर किस तरीके से हम लोग उसको वाहनों में उसका प्रयोग करते हैं, और हमारा जो रोज़मर्रा की जो हमारा जीवन है वो किस तरीके से आसान बन जाता है रिसोर्सेज का प्रयोग करके, ये होते हैं रिसोर्सेज। फिर लास्ट में एनर्जी रिसोर्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि रिनोबल एंड नॉन रिनोबल एनर्जी की बात करेंगे, कि किस तरीके से कुछ एनर्जी ऐसे हैं, कुछ स्रोत ऐसे, कुछ रिसोर्स ऐसे हैं कि जो कि ख़त्म हो सकते हैं, फिर कुछ नहीं ख़त्म होते हैं, उन सब के बारे में लोग डीपली और रियली बहुत ही सिस्टमेटिकली डिस्कस करेंगे, बट जब हम लोग की क्लासेस प्रॉपर हम लोग क्लास लेंगे लास्ट क्लास से। फिर यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इन इंडिया का मतलब आप लोग ये समझिए कि भारत में जो कृषि है उसका क्या स्वरूप है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। कि आप लोग देखेंगे कि बेसिकली इंडिया में जो कृषि होती है वो मौसमी टाइप की कृषि है, सीजनल कृषि है, वो पूरी तरीके से मानसून पर डिपेंड करती है। अगर बारिश अच्छी आई तो फसल अच्छी होगी, प्रॉफिट अच्छा होगा, बारिश अच्छी नहीं आई तो फिर वही समझिए कि सब कुछ अदरवाइज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा और किसानों को बहुत ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। फिर हम लोग उसमें बात करेंगे जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, जो हमारी समस्याएं हैं भारतीय कृषि की, फिर हम लोग बात करेंगे किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे कर सकते हैं, इनका उपाय क्या है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे कि सीजन्स कितनी होती हैं, कब कब, जैसे आप लोग इसमें आप लोग को एक प्रॉपर बेसिक नॉलेज तो होगा ही कि जो कृषि है वो रवि खरीफ जायद जो कंसेप्ट है उसके बारे में आप लोग को जानकारी होगी, ये मुझे उम्मीद है। फिर हम लोग बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो अभी हमने पीछे देखा था किस तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी, क्वार्टरली, तो जो सेकेंडरी सेक्टर है बेसिकली उसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसकी भी इंडिया में किस तरीके से उसका प्लान हुआ, किस तरीके से इंडिया में वो इवॉल्व हुआ, किस तरीके से इंडिया में उसका पूरा विकास होता है, उन सब चीज़ों में और किस तरीके से उसका स्वरूप आज की डेट में है उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हमारा जो फोर्थ टॉपिक होगा वो होगा प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो प्लानिंग क्या होता है, आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट ईयर प्लान, सेकंड ईयर, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, सेकंड फाइव ईयर प्लान, ये सब क्या होता है,
कि किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को, संसाधनों को यूज करके एक बेटर डेवलपमेंट का प्लान खींच सके, उसका खाका बना सके, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके में आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में प्लानिंग हुई और किस तरीके से अभी प्लानिंग चल रही है, उसको कौन रेगुलेट करता है, किस तरीके से रेगुलेट करता है, ये सब सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें प्लानिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट, तो इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि सस्टेनेबल या सतत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी जो कि सतत विकास की जो अवधारणा है, सतत विकास की जो अवधारणा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग को थोड़ा मोड़ा अंदाजा तो बिल्कुल से होगा कि सतत विकास क्या है, और इसके बारे में लोग डीपली डिस्कस करेंगे आवर अपकमिंग क्लासेस। तो मोटा मोटी मैं बता दूं कि सतत विकास क्या होता है, कि हम अपना विकास तो करें लेकिन जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके विकास में हिंड्रेंस ना पैदा करें, इसी कंसेप्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर। और वही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको इंडियन कंटेक्स्ट में किस तरीके से देखा जा रहा है, या उसका क्या स्टेटस है, उसको क्या स्टेटस होना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर, जहां प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन पर्सपेक्टिव हम बात करेंगे। फिर आप लोग देखिए कि जो ये पाँचवा टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशूज एंड प्रॉब्लम्स। अभी जब मैं आप लोग को सिलेबस दिखा रहा था तो वहाँ पे सबसे लास्ट में इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी जो बुक है उसमें ये सेक्टर दिखा था कि ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज। तो आप लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन आ रहा है, जो प्रदूषण आ रहा है, पर्यावरणीय प्रदूषण, ऐसे विषय पर्यावरणीय प्रदूषण, फिर आप लोग देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन, भूमि क्षरण भी इसी में आ सकता आएगा, भूमि क्षरण, फिर आप लोग ये सब जो टॉपिक्स हैं जो कि मानव के विकास को हिंडर कर रहे हैं, मानव के विकास को बाधित कर रहे हैं, या अगर पूर्ण रूप से बाधित नहीं कर रहे हैं तो समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, उन सब को जो डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक में कि ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशूज। इसमें हमारा जो डिस्कस करने का एक हमारा पर्सपेक्टिव होगा वो थोड़ा सा अलग इस मायने में होगा कि हम एक सोशल साइंस में ही नहीं देखेंगे, हमारा पर्सपेक्टिव तो सोशल साइंस वाला है लेकिन हम इसको एक ज्योग्राफर के व्यू से देखेंगे कि जो ये प्रदूषण है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, इसके क्या उपाय हैं। उपाय तो बहुत सारे हैं, अभी आप देखिए कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक बंद कर दीजिए, ये भी उपाय है, प्लास्टिक को जलाया जाता है तो उससे जो प्रदूषण होता है, इन सब जो चीज़ें उससे ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बनानी है हमको, इसीलिए हम लोग ये टॉपिक जो है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस टू विल डिस्कस इन दिस चैप्टर ओनली। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, फिर ये जो कुछ मैंने बताया था ना कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मैं अपने तरीके से डील करूंगा, मतलब आप लोग देखेंगे कि मैंने इसको तीन भागों में बांट दिया है। एनटीए ने तो बताया कि दो बुक है, पहली है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सेकेंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो मैंने उनको आपको बता दिया कि पहली बुक में आपको क्या पढ़ाऊंगा, किस तरीके से पढ़ाऊंगा, सेकंड बुक में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, किस तरीके से पढ़ाऊंगा। फिर ये जो कॉमन है, कॉमन टॉपिक्स का मतलब क्या है कि जो टॉपिक्स होंगे वो दोनों विषयों में, दोनों बुक्स में समान है। जैसे आप लोग देखेंगे पॉपुलेशन यानी जो जनसंख्या है, जनसंख्या का जो विषय है वो दोनों में है। आप लोग सिलेबस देखे हैं और सिलेबस आप लोग फिर से देख लें और अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इवन मैं आप लोग को एडवाइस करूंगा कि सिलेबस का प्रिंट आउट अपने पास रखिए और बेसिकली सिलेबस को आप पूरी तरीके से याद कर लीजिए। सबसे पहले ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम देने से पहले उसका सिलेबस जो है बिल्कुल प्रिपेयर हो, उसका जो पूरा सिलेबस आपके माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए कि हमको बस इतना पढ़ना है। और किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने का ये राज है कि क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। और इसको जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा सिलेबस क्या है, तो आपको सिलेबस लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए। और मैं इसीलिए आपके साथ हूँ कि मैं आपको उसी क्षेत्र में ले जाऊँ, उसी चीज़ पर फोकस रखूँ कि क्या आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए तो बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत सारी मटेरियल्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल्स हैं जहाँ पर आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, बट पढ़ना क्या है ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मेरा जो स्कोप है मैं उसको आपको, ये जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको मैं अपने तरीके से डील करूँगा और उनको एक साथ पढ़ाऊँगा, ना कि ऐसे कि बुक बुक में पढ़ाऊँ, हर टॉपिक वहाँ पढ़ाऊँ फिर यहाँ पढ़ाऊँ, नहीं। जनसंख्या है,
तो मैं पहले आपको वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से जनसंख्या पढ़ा दूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेंसिटी क्या है, जो ग्रोथ क्या है, कंपोजिशन क्या है पॉपुलेशन का। फिर उसी के जस्ट बाद मैं आप लोग को इंडिया के बारे में जो दूसरी बुक में जो जिसका एस्पेक्ट है इंडिया पीपल एंड इकोनमी, उसमें मैं आपको इंडियन जो पॉपुलेशन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी है, ग्रोथ है, कंपोजिशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है उनके बारे में हम लोग वहीं पर तुरंत डिस्कस करेंगे। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि आप लोग देखेंगे कि मान लीजिए इंडिया को ले लेते हैं, कुछ इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से होता है, आप लोग को इंडिया का आप लोग जो मैप देखेंगे कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से एक मैप मैंने बना लिया मोटा मोटी, ऐसा मैप है नहीं मैंने फिलहाल। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, फिर ये नॉर्थ ईस्ट है, ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, और ये जो प्लेन है, यहाँ पर जो जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो असमान है। कि किस तरीके से आप देखेंगे कि यूपी बिहार में बहुत अधिक जनसंख्या है, फिर आप सिक्किम जाइए, असम जाइए, अरुणाचल प्रदेश जाइए, वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, क्यों है कि प्लेन में ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया इंडो गंगा जो इंडिया का प्लेन है, ग्रेट प्लेन है, वहाँ पे ज़्यादा लोग निवास करते हैं, वहीं थार रेगिस्तान में, हिमालयन रीजन्स में, नॉर्थ ईस्ट में पीपल कम क्यों रहते हैं, इस पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी यानी घनत्व। जनसंख्या का घनत्व क्या है? जनसंख्या का घनत्व बेसिकली होता है कि पर किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले सभी लोगों की संख्या को कहते हैं घनत्व, जनसंख्या का घनत्व। मान लीजिए कि ये जो क्षेत्र है एक किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है, एक किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है, और यहाँ से 10 लोग रहते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जनसंख्या घनत्व जो है वो 10 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर है। ये होती है डेंसिटी कि प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है उसे हम बोलते हैं जनसंख्या का घनत्व। फिर अगला टॉपिक है ग्रोथ कि जैसा आप लोगों को पता है कि इंडिया में 10 साल में पॉपुलेशन की जनगणना होती है, सेंसस होता है, तो दस साल के बाद आप देखेंगे कि जनसंख्या बढ़ जाती है। जैसे मैं आप लोग एक डेटा दूँ कि 2011 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो नियर अबाउट 102 मिलियन थी, ठीक है, सॉरी नॉट मिलियन, करोड़ थी, 102 करोड़, और 2001 में ये थी, और 2011 में ये हो गई 121 करोड़, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि जो 19 करोड़ की लगभग जो ये वृद्धि हुई है इसी को कहते हैं ग्रोथ। फिर इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं, वो होती है किस तरीके से जो वृद्धि होती है जनसंख्या में एब्सोल्यूट नंबर्स में या परसेंटेज में, उसको बोलते हैं ग्रोथ। फिर हम ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रोथ के कारण के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके जो पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कितना ग्रोथ होना चाहिए, इन सब जो टॉपिक्स इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर जो लास्ट यहाँ पे जो ऑप्शन हम दिख रहा है आप लोग को टॉपिक कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन यानी जो संरचना है पॉपुलेशन की, जनसंख्या की संरचना के बारे में हम बात करेंगे। सो संरचना क्या है कि स्त्री पुरुषों की संख्या क्या है, वहाँ पर जो लिंगानुपात किस तरीके से है, वहाँ पर जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो लोग काम कर सकते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पर 15 से लेकर 59 साल की एज उम्र में रखते हैं कि इस वर्ग में जो आते हैं उनको हम बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, उसके बीच में कितने लोग हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो एस्पेक्ट्स हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, और हम लोग का थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, यानी मेजर डिफरेंस इसको आप लोग कह सकते हैं कि हम इसको अलग अलग नहीं बल्कि एक ही साथ पढ़ेंगे। कि हम लोग पॉपुलेशन पढ़ेंगे तो हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, और उसके इमीडिएट बाद ही हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पॉपुलेशन का जो टॉपिक है जो कि कॉमन टॉपिक में आता है उसके बारे में मैंने आप लोग को एक ब्रीफ किया है। फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में डील करता है। तो सिलेबस दिखाते समय आप लोगों ने देखा होगा कि ह्यूमन सेटलमेंट्स भी दोनों जहां आया था। ह्यूमन सेटलमेंट्स मानव निवास, मानव बस्तियों के बारे में डील करता है, और ये बेसिकली टू टाइप के होते हैं समझिए, कि एक रूरल होता है, ग्रामीण, और दूसरा होता है अर्बन यानी शहरी, ठीक है। तो जब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में
इन दो टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे, किस तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है ग्रामीण और शहरी में है, और किस तरीके से उसका जो कंपोजिशन है, पहले उसको हम वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट्स कैसा है, फिर हम इंडिया के लेवल पर देखेंगे, फिर एज अ ज्योग्राफर, एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी विल मेक आवर व्यू ऑन द ह्यूमन सेटलमेंट्स, किस तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट होता है, किस तरीके से इसको बेटर किया जा सकता है, क्यों लोग फ्रॉम रूरल टू अर्बन शिफ्ट होते हैं, कभी कभी अर्बन टू रूरल क्यों आते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैंने कहा कि अर्बन टू रूरल, आप लोगों को लगेगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग शहर से गांव क्यों आएंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के पीरियड में किस तरीके से लोग शहरों से गांव की तरफ शिफ्ट हुए थे। इस तरीके से बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट्स के, जिनके बारे में हम लोग आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, और उनसे जो संभावित क्वेश्चन जो कि सीयूटी में आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनके बारे में भी हम लोग प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ डिस्कस करेंगे। फिर जो इसमें तीसरा टॉपिक है जो कि कॉमन है, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है कि मानव जो है एज अ रिसोर्स, आप लोग को ये पता होगा कि ह्यूमन यानी मानव जो है किसी भी राष्ट्र की या दुनिया का जो है ये प्योर संसाधन है, सबसे बड़ा रिसोर्स है, सबसे अच्छा रिसोर्स है, सबसे प्रॉस्परस, सबसे महंगा, सबसे प्रीशियस रिसोर्स है, जो कि बाकी सारे चीज़ों को, बाकी सारे रिसोर्सेस को ट्रीट करता है एज अ रिसोर्स। अगर आप कल्पना करिए कि मानव ही ना हो, हम ही ना हो, तो जो यहाँ पर कोल है, जो यहाँ पर कोयला है, जो यहाँ पर लैंड है, जो वाटर है, उसको कौन यूज़ करेगा? कोई नहीं यूज़ करेगा, आप लोग का सिंपल सा आंसर होगा। तो वही कि ह्यूमन जो है एज अ रिसोर्स, उसका किस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है किस तरीके से बढ़ता है। अब लाइफ स्टैंडर्ड किस तरीके से अफेक्ट होगा कि उसका इनकम क्या है, उसकी जो फूड है, फूडिंग कैसी है, उसकी क्लॉथिंग कैसी है, उसका हाइजीन कैसा है, सैनिटेशन कैसा है, मतलब बेसिकली उसका रहन सहन, खाना पीना, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब जो ब्रॉड स्पेक्ट्स हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। और उसी सेम तरीके से हम लोग पहले वर्ल्ड में बात करेंगे, पहले हम पूरे दुनिया के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, 7 कंटिनेंट्स में, 7 महाद्वीप के बारे में हम बात करेंगे, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इन सब रीजन्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम आएंगे इंडिया, इंडिया में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है बेसिकली, देन विल रीड अबाउट देम और वी डिस्कस अबाउट देम, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। सो इस तरीके से हमारा ये तीसरा टॉपिक था जो कि कॉमन टॉपिक था, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि कॉमन है, और वो ये है कि माइग्रेशन, माइग्रेशन यानी प्रवास। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 10 जनवरी जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा, 10 जनवरी जो है उसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग इसको दोबारा से चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, तो आप लोग इसको दोबारा से चेक कर लीजिएगा कि शायद ये जो डेट है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रवासी का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए जो ह्यूमन है, लोग हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने चले जाते हैं या किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए चले जाते हैं, उनके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग माइग्रेशन के बारे में बात करेंगे, माइग्रेशन के बारे में जो टाइप है उसका बात करेंगे। जैसे अर्बन, अर्बन मतलब शहर, और रूरल मतलब कि ग्रामीण। तो इसमें टाइप क्या होता है कि लोग गांव से शहर की तरफ जाएं, या शहर से गांव की तरफ जाएं, या अर्बन टू अर्बन जाएं, या रूरल टू रूरल जाएं, क्यों जाएंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग को मैं बताऊँ कि माइग्रेशन का जो सबसे बड़ा साधन माना जाता है कि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन क्यों होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, पिछले साल ही पूछा गया था कि माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट, मैरिज, ये सब बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कारण है मैरिज। आप लोग देखेंगे कि शादी होने के बाद लगभग 50% पॉपुलेशन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाती है। तो ये तो हम लोग जब माइग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग समझिए कि किस तरीके से माइग्रेशन मतलब होता क्या है। ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग में ये है कि किस तरीके से लोगों का शिफ्ट होना ही जो है माइग्रेशन है। फिर हम लोग इस पर कॉज करेंगे, मतलब कि इसके कारण क्या है, कॉज मतलब कारण, माइग्रेशन होता है क्यों, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाएं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
तो इसमें हम देखेंगे कि पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज दे वॉन्ट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, वो अच्छा रोजगार चाहते हैं, वो अच्छा जीवन शैली चाहते हैं, वो ज़्यादा पैसा चाहते हैं। अभी आप गांव में काम करेंगे तो वहाँ आपको कम सैलरी मिलेगी, वही शहर में काम करेगा तो अधिक सैलरी मिलेगी। इन सब चीज़ों के लिए वो शिफ्ट करते हैं गांव से शहर। अब वो वाराणसी से मुंबई जाएंगे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादा पैसे मिलने की संभावना है या बेहतर जीवन शैली है। इन सब चीज़ों के लिए जो माइग्रेशन होता है। फिर हम लोग कंसिक्वेंसेस की बात करेंगे जो इससे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं या शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं। तो जो हमारा डेमोग्राफी है, जो हमारा एक तरीके से जो सिस्टम है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अब मान लीजिए कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो एक स्थान पर जहाँ की मतलब मान लीजिए कमरा है जहाँ पर 10 लोगों की रहने की क्षमता है और वहाँ पर 50 लोग रहने लगेंगे तो फिर कितनी समस्याएं उत्पन्न होंगी। और फिर यही 50 लोग जब 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये 100 लोग 500 और ये 500 लोग जब 1000 लोगों में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या समस्या उत्पन्न होंगी कि एक ही प्लेस जिसकी जो क्षमता है वो 10 लोगों की है और वहाँ 1000 लोग रहेंगे तो वहाँ पर स्वास्थ्य की, वहाँ पर सिक्योरिटी की जो समस्या उत्पन्न होगी, उस कंसिक्वेंस उस समस्याओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर अगला टॉपिक जो कि कॉमन है वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आप लोग यातायात के बारे में जान चुके हैं कि मैंने आप लोग को इससे पहले बताया कि रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे, रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आप लोग देखेंगे कि रेलवेज, एयरवेज, रोडवेज और वाटरवेज, इन सब के बारे में बात करेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि दुनिया में किस तरीके से जो रोडवेज हैं, जो सड़क मार्ग से यातायात होता है, वो किस तरीके से है। और फिर उसके जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे कि भारत में जो सड़क से यातायात होता है उसका क्या स्वरूप है, उसकी क्या संरचना है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन की बात करेंगे। कम्युनिकेशन मतलब कि ये अपनी जो जानकारी है एक लोग से दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे साझा करें, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग मास कम्युनिकेशन और फिर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। मास कम्युनिकेशन, जैसे आप लोग टेलीविज़न देखते होंगे तो टेलीविज़न पे एक न्यूज़ आया कि प्रधानमंत्री यहाँ यहाँ जा रहे हैं तो पूरे देश में किस तरीके से फैल जाता है, उस तरीके से हम लोग बात करेंगे। फिर आप लोग मोड ऑफ मीडियम देखेंगे कि किस तरीके से, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक वे में देखें, फिर पेपर कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह आपके अखबार आता होगा, उससे आप लोग डिस्कस करें। फिर इस तरीके से ये जो दो चैप्टर हैं, माइग्रेशन और ट्रांसपोर्ट, जो कि हमारे कॉमन स्पेक्ट्स हैं, इन दो चैप्टर्स में इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे। फिर हम लोग अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ट्रेड, विश्व व्यापार। एक सेकेंड, विश्व व्यापार, विश्व व्यापार के बारे में हम लोग बात करेंगे। विश्व व्यापार क्या है, हाउ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड लुक्स लाइक। पहले हम लोग विश्व व्यापार करेंगे कि एक देश दूसरे देश से किस तरीके से व्यापार करता है, यहाँ से कौन सी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं। मान लीजिए कि एक देश जो है कृषि प्रधान देश है, वहाँ पर गेहूँ अधिक होता है तो वो गेहूँ बेचेगा दूसरे देश को, और वहाँ पर जो टेक्निकल नो हाउ है वो कम है तो दूसरे देश से वो टेक्नोलॉजी लेगा, टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंट्स लेगा और उनका यूज़ करेगा। और फिर हम बात करेंगे इसी में हाउ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड लुक लाइक्स, इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कैसा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ हम लोग बात करेंगे एक्सपोर्ट्स की, एक्सपोर्ट्स मतलब किस तरीके से निर्यात क्या है भारत का, भारत दुनिया में क्या बेचता है। हम आपको पता होगा कि हम कृषि प्रधान देश हैं तो हम यहाँ से गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ें बेचते हैं। फिर हम सॉफ्टवेयर्स जो हैं उन सब चीज़ों का विदेशों में व्यापार करते हैं, उनको विदेशों में बेचते हैं। फिर इम्पोर्ट्स क्या हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, हम दुनिया से क्या खरीदते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब इम्पोर्ट में आप लोग जानते होंगे किस तरीके से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो चाइना के साथ वायर्ड है, किस तरीके से जुड़ी हुई है, कि कितना वहाँ से सामान आता है। जैसे आप लोग देखेंगे जो आपके पास फ़ोन होगा वो किसी न किसी चाइनीज़ कंपनी का होगा या फिर किसी अमेरिकन कंपनी का होगा, किसी कोरियन कंपनी का होगा। अभी हमारे पास ऐसी कोई ब्रांड नहीं है इंडिया में जो कि आपको मोबाइल प्रोवाइड कर सके, तो ये इम्पोर्ट होता है विदेशों से। फिर आप बैलेंस ऑफ ट्रेड देखेंगे कि ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसमें किस तरीके से बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हम लोग यही देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी भी देखेंगे। तो इसको मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं
कि मान लीजिए आपने 50 रुपये का एक्सपोर्ट किया, 50 रुपये का सामान बेचा और 40 रुपये का इम्पोर्ट खरीदा, मतलब कि 40 रुपये का सामान खरीदा, तो आप देखेंगे कि अब 10 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही चेंज हो जाए कि आप जो है 40 रुपये का सामान बेचते हैं और 50 रुपये का सामान खरीदते हैं, तो आपका जो इकोनॉमी होगा उसमें -10 का आपको नुकसान होगा। तो ये होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, मोटा मोटी ऐसे ही होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग आगे क्लासेस लेंगे। फिर जो अगला टॉपिक है वो अदर सामने आ जाता है कि उसमें फिर हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखेंगे कि जो जोग्राफिकल ग्लोसरीज हैं। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ जाएंगे कि BOP क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इसको बताइए, मतलब कि जो भुगतान की जो संतुलन है, भुगतान संतुलन उसे क्या, वो क्या है। और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए ये है, बी, आपको डिफिनेशन दे दी जाएगी और उसमें से आपको छांटना होगा कि ये क्या है। जैसे आप लोग रीजन और असर्शन के क्वेश्चन देखते होंगे, उसको किस तरीके से टैकल करें, हम लोग यहाँ बात करेंगे ग्लोसरीज में। और फिर अपेंडिक्स इंफॉर्मेशन में मैं आप लोग को बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि किस तरीके से कुछ आपको PDF अवेलेबल कराए जाएंगे, आप लोग के साथ डिस्कशन किया जाएगा कि किस तरीके से कुछ डेटा आपको, बेसिकली फैक्ट्स वहाँ पे आपको प्रिपेयर कराए जाएंगे। जो आप लोग ये PPTs देख रहे हैं, ये जो PPTs हैं यहाँ पर आप जो टॉपिक करेंगे ये सब, इसमें आपको एक कंसेप्ट के बारे बात की जाएगा, आप एक कंसेप्ट बनाएंगे। लेकिन जब आप लोग यहाँ अपेंडिक्स में आएंगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे हम कि किस तरीके से आप फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सिलेबस है वो यही है, मैंने आप लोग को सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप लोग को दिखा दिया है और मैंने यहाँ पे आप लोग के साथ डिस्कस किया है कि मैं आप लोग को कैसे टीच करूँगा, किस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा कि ये किस किस तरीके से, किस किस पर्सपेक्टिव से। तो अगली क्लास में हम लोग बेसिकली मैं आप लोग को बता दूँ कि अगली क्लास हम लोग लेंगे और वो क्लास होगी पॉपुलेशन की। तो आप लोग प्रिपेयर हैं, आप लोग थोड़ी सी पढ़ाई कर लें पॉपुलेशन की, और वर्ल्ड पॉपुलेशन जो पहली बुक में जो विश्व जनसंख्या है उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ के आएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलते हैं हम लोग, मूव ऑन करते हैं। ये तो आप लोग को पता है कि आप लोग को CUET की प्रिपरेशन करनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, DU, JNU, PHU, AU, LU, जहाँ पर अभी आपको जाना है, तो आप लोग को CUET का एग्ज़ाम देना है, ये मस्ट है। और CUET का एग्ज़ाम देने के लिए आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है CUET कंसेप्ट। सो आइए और ज्वाइन करिए हमारा कोर्स एकलव्य बैच। आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए एकलव्य बैच में, और जो इसके मेन फीचर्स हैं जो कि आप हमारी CUET कंसेप्ट को बाकी प्लेटफॉर्म से अलग बनाती है, वो कि कंप्लीट सिलेबस PDF लेक्चर्स आर अवेलेबल है। तो आप यहां देखेंगे कि आपको सारा लेक्चर, मतलब आप GT का, लैंग्वेज का, डोमेन के जो जो आप चूज करेंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, जो भी आप चूज करेंगे आपको सारा अवेलेबल कराया जाएगा ऑन ड्यू डेट, ऑन टाइम, कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लें और एग्जाम अच्छे से टैकल कर सकें। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल्स PDFs भी अवेलेबल कराए जाएंगे, जो आप यहाँ पढ़ाया जाएगा उसको आपके साथ शेयर किया जाएगा, वो PPT, टीचर्स की PPT, मेंटर्स की PPT। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी प्रिपेयर करा दिया जाएगा कि आप उसको पढ़ें और अपना अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें और एग्जाम को अच्छी तरीके से टैकल करें। फिर आपको टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन NTA पैटर्न, आपको टाइम टू टाइम, थोड़े से टाइम के साथ ही आपको आपके साथ आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, बेसिकली NTA के पैटर्न पर आधारित रहेगा। फिर आपको PYQ क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको आप लोग को पढ़ाया जाएगा, वो क्लास के दौरान ही जो भी मेंटर्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर आप देखेंगे प्रॉपर गाइडेंस, आपको जो आपके मेंटर हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो आपको गाइड तो करेंगे ही करेंगे। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो नंबर्स अवेलेबल हैं, जैसे आप यहाँ पर नंबर्स जो अवेलेबल हैं उन पर आप लोग बात कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से, अगर आपको कोई भी समस्या होती है आपकी प्रिपरेशन में या आप किसी भी तरीके की समस्या उत्पन्न होती है तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और आपकी जो समस्या है वो 100% सॉल्व की जाएगी। तो आइए और हमारा जो एकलव्य बैच है, एकलव्य बैच है, वो ज्वाइन करें और अपना जो CUET का जो प्रिपरेशन है उसको निर्बाध रूप से जारी रखें और सिलेक्शन पाएं। तो
तो इसमें आप देखेंगे कि जो फी स्ट्रक्चर है, आप बीए बीएससी और बीकॉम का देख सकते हैं, बीएलएलबी और बीएएलएलबी, इन सब का भी आप देख सकते हैं। फिर अगर आप सीएचएस में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है 6th 9th क्लास के लिए। और आप लोग के लिए जाने की ऑफर अभी चल रहा है कि जितना भी यूजी कोर्सेज है उसमें अभी आप एडमिशन लेंगे तो सभी कोर्सेज में आपको 500 रुपये कम देने पड़ेंगे। और ये जो ऑफर है वो 15th of November तक ही अप्लाई है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी ये बैच ज्वाइन करें जिससे कि आपको मिल सके आप एज और आप प्रिपरेशन अच्छे से तैयारी कर सके। और पेमेंट करना चाहते हैं, हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप पे जाइए सीयूटी कंसेप्ट, वो जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग ये ऐप डाउनलोड कीजिए और पेमेंट करिए, हमारा कोर्स परचेज करिए और अपने जो प्रिपरेशन है सीयूटी का उसको बेटर ढंग से करें और अपना जो एडमिशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का उस सपने को पूरा करें, जिससे और पर आप अपना करियर जो है उसको एक सही रास्ते पर ले जाए। तो ये सपना होता है सभी छात्रों का, सभी स्टूडेंट्स का कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। और इसके लिए अब एक ही आपके पास पता होगा, आप लोग को ये आपको समझना है कि एक ही आपके पास ऑप्शन है सीयूटी, तो इस मौके को मत जाने दें और हमारा जो कोर्स है उसको ज्वाइन करें, एकलव्य बैच ज्वाइन करें और अपने प्रिपरेशन को सही करें और अपने सपने को जो कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको पूरा करें। सो By this, I want to conclude myself. Thank you. एक बार फिर से मैं आदित्य सिंह चंदेल आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और मिलते हैं अगली क्लास में जहां मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी और उसमें बेसिकली हम लोग डील करेंगे पॉपुलेशन। और उस पॉपुलेशन में अभी हम इंडियन पॉपुलेशन की बात नहीं करेंगे बल्कि हम बात करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन की। सो टिल वी मीट नेक्स्ट डे, यू पीपल शुड रिमेन काम एंड work for your betterment. Thank you. We'll meet soon.